आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आप सभी को पता है आज एसएससी सीजीएल का आप सभी का एग्जाम था। अगर आज पूरे दिन को देखा जाए और बताया जाए पेपर कैसा था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत इजी था, क्योंकि एग्जाम के बाहर निकलकर आसान बोलना अलग बात है और एग्जाम में बैठकर एग्जाम को फेस करना और एग्जाम के टाइम पर एग्जाम देना वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था, या आप ये बोल सकते हो, क्योंकि सीजीएल लेवल का पेपर ये एक्चुअल में था नहीं। अगर आपको मैंने दिखाया होगा जीके प्लस जीएस प्लस करेंट अफेयर क्वेश्चन, आपने देखा होगा ज्यादा क्वेश्चन वो आ रहा है जो बहुत ट्रेंडिंग है, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी अगर बहुत जन अच्छे से पढ़ ले ना 2-3 साल का, तो आप इजीली पेपर जो है वो जीके वाले पोर्शन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर करेंट अफेयर पर कमांड है, पूरे अच्छे से पढ़ा है एक एक क्वेश्चन को, प्लस अगर 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप नो डाउट आराम से ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इंग्लिश की पेपर भी जो है वो आपका आसानी था, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा था। अगर रीजनिंग की बात करें तो ये कहना गलती नहीं होगा कि 25 में 23 से 24 कोई नहीं मारा है, बहुत इजी पेपर था रीजनिंग का भी। मैथ की बात करें तो ये नहीं बोल सकते कि 25 में 25, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं 17 से 18 नंबर तो सभी कर आए होंगे। मैथ का पेपर आप देखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि 100 नंबर्स आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इतना करना है कि आपका एग्जाम निकल जाए। और करेंट अफेयर तो मैंने आपको दिखाया सुबह में मेरे कितने क्वेश्चन फंसे हैं आपके एग्जाम में, रात को 11:30 बजे वाला मेहनत खराब नहीं गया आज। अभी देखो क्वेश्चन, आप देखो क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल ये था, अगर कोई भी सामान का दाम में ना 50% हम इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आपका एमआरपी बन जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। अब बोल रहा है 50% बढ़ाने के बाद आपने छूट दिया, डिस्काउंट दिया, कितने कितने का, तो पहले दिया 30% का, फिर दिया 20% का, इससे क्या हुआ आपको नुकसान हो गया कितने का, 192 रुपए का। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, अगर 50% का हम वृद्धि किए तो मतलब क्या होता है, 50% का मतलब 1/2, यानी दाम 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी 10 से 3, यानी 7। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले हम बढ़ा रहे हैं फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5 से 4 गुना करेंगे 10 × 5 = 50, 50 × 2 = 100, और यहां पर कितना हो जाएगा 28 × 3 = 84, यानी कितना का नुकसान हो गया, 16 रुपए का। लेकिन सवाल में बोल रहा है 192 रुपए का, यानी 16 जो है वो 192 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 160, 10 और 32, 12, यानी 12 के बराबर होगा, तो 100 का मतलब कितना है, तो आप बोलेंगे 1200 रुपया। ये आपका पहला क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। अगला क्वेश्चन आप सभी एक बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आराम से, ये नहीं कि हड़बड़ी से, आराम से सॉल्व करवाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था, x - y बराबर आपका दिया गया है 4, xy का मान दिया गया है 45, आपको बताना है x³ - y³ का मान कितना होगा। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा तो दिमाग को एक्टिव रखेंगे किस तरीके से करना है, थोड़ा डायरेक्ट आप फॉर्मूला के पीछे नहीं भागेंगे कि फॉर्मूला क्या है। आप ये थोड़ा देखोगे कि ये एक्स माइनस वाई करने के बाद 4 आ रहा है, यानी एक्स बड़ा है, और एक्स वाई को गुना करने के बाद 45 आ रहा है, कब हो सकता है, 9 × 5 = 45, और 9 - 5 यानी कि 4, यानी कहीं ना कहीं x का मान 9 है और y का मान आपका 5 है, निकल गया ना। x का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब आपका 125, कितना हो जाएगा, 25 25 काटो आपका बचेगा 6, 704 में से एक गया, तो 604 हमारा आंसर हो गया। ये सवाल था हमारे सामने एग्जैक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखना आप सभी, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बने, लेकिन जितने बहुत सारे क्वेश्चन जो 10+2 का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है ना एलजेब्रा का, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बने, उस कंसेप्ट के ऊपर जो 3 दिन से मैं आप सभी को करवा रहा था। एक क्वेश्चन आपका ये था आज के एग्जाम में, 2 बेलन है, क्या है, 2 बेलन है, उसका अनुपात दे दिया गया है, बेलन का अनुपात दिया गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, R1:R2 दे दिया गया है, 3:2, और उसका हाइट दे दिया गया है
आपका 9:4, यही दिया गया है ना। आपसे वॉल्यूम पूछा है यार, बस फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वन एच, यही तो होता है वॉल्यूम आपका, और होता क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पाई आर स्क्वायर टू एच टू, पाई से पाई कटेगा, आर क्या है आपका तीन, तीन का स्क्वायर क्या होगा नौ, ये दो क्या है आपका दो, दो का स्क्वायर क्या होता है चार, एच वन क्या है हमारे सामने नौ है, एच टू क्या है चार है, कितना होगा 81/16 हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस सवाल में, बस फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बताया गया है। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था आप सभी का, कितना हुआ, हाँ एक क्वेश्चन ये था आप सभी का, कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया गया है आपका 45, ठीक है, आपको बताना है 1+10a 1+10b का मान कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, कोण ए प्लस कोण बी मिलाने के बाद 45 हो रहा है, ए को जीरो मान लो या बी को जीरो मान लो एक ही बात है, मान लेते हैं इसको जीरो मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो सिंपल है ना, यहां पर कितना हो जाएगा 1+0 और 1+10b यानी 45 का क्या हो जाएगा 10 45 का, तो आप बोलेंगे 1 1+1 कितना हो जाएगा 2 2 into 1 2, आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, 10 45 का मान क्या होता है एक होता है। अगला सवाल हमारे सामने ये था आप सभी का, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था आप सभी का, ये मान लो आप सभी के पास दिया गया है, ठीक है, और एक ये दिया गया है आप सभी के सामने, आपको बोला है कि जो बड़ा ट्रायंगल है, जो बड़ा त्रिभुज है, जो बड़ा त्रिभुज है वो आपका 44 सेंटीमीटर या मीटर पर स्क्वायर है, तो आपको बताना है छोटे वाला कितना होगा। आपको इतना तो पता होगा, अगर बड़ा वाला 44 है तो जो अंदर में एक नया कोण बन रहा है, कोण बोल रहा हूं त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला, वो हमेशा बड़े वाले का 1/4 होता है, तो छोटे वाला त्रिभुज कितना होगा बड़े वाला का 1/4, यानी आप बोलेंगे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर था तो आप सभी बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। अगला सवाल देखो आप सभी, अगला सवाल हमारे पास ये था, ये वाला एक क्वेश्चन था हमारे सामने, 6 tan tan θ = 5 दिया गया था, और आपको बताना था 8 sin² θ - 4 cos θ / cos θ + 2 sin θ, इसका मान आप सभी को बताना है। आप सभी को ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में एग्जैक्ट, देखो क्या बोला है यहां सामने, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ तो नजर आ रहा होगा ना। अगर दिया 6 tan θ, इतना पता है tan का क्या होता है sin/cos, tan का क्या होता है sin/cos, तो इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं sin θ / cos θ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 6 नीचे जाएगा क्या होगा 5/6, यानी साइन का मान 5 हो जाएगा, कॉस का मान क्या हो गया 6 हो गया, तो और क्या है बस पुट कर देना है, साइन का मान अगर 5 है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 25 × 8 = 200 -4 cos 6 × 24 नीचे कॉस थीटा है कॉस 6 है तो 6 और 2 sin मतलब 25 + 6 आपका कितना होगा यहां पर 31 हो जाएगा, यही होगा ना, कितना होगा आपका 2 sin यानी हाँ सॉरी ये गलती है आपका, कितना हो जाएगा 2 sin का मतलब 5 5 × 2 = 10 और 10 × 6 = 16 हो जाएगा, सॉरी 16। अब क्या होगा 200 में से 24 गया कितना होगा 176/16 कितना हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 × 10 = 160 और 16 11 बार में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, आई होप थोड़ा जल्दी करवा रहे लेकिन सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। अगला सवाल देखना आप सभी, आपके एग्जाम में सवाल था एक ये वाला, हाँ ये सभी ने करवाया है, x + y = 8 है और दिया गया है y + z का मान 13 दिया गया है, z + x का मान 17 दिया गया है, आपको बताना क्या है यहां पर आपको बताना है x² / yz का मान क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
ये देखने में बहुत हार्ड नहीं लग रहा, आपको थोड़ा सा अगर पता होगा यहां से हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे भैया एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, जेड भी निकाल सकते हैं, अगर तीनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, 8 + 13 + 17, तो आप बोलेंगे 30 + 38, 38/2 कितना हो जाएगा आपका 19। आपने बोला 2 क्यों किए, जब इसको प्लस किए तो इसको भी तो प्लस कर रहे हैं, तो 2x 2y 2z, यानी आप बोल सकते हो x y 2, यहां पर बोल सकते हो x + y + z = कितना है 38/2, ये 2 नीचे चल जाएगा, यानी अब बोल सकते हो सीधे सीधे x y + z का मान भैया हमारा 19 आ गया। अगर x + y + z का मान 19 आ गया तो x का मान तो आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि yz का मान क्या है 13 है, और यहां पर तीनों को जोड़ने के बाद क्या है 19 है, तो यहां पर 13 रख देंगे, तो 13 जब उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इजी है कि नहीं है, अब x का मान अगर यहां 6 रख दे तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल कि हार्ड है, बताओ। अब एक्स वाई अगर 2 8 हो गया तो z का मान क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और वाई जेड 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, काटिए 18/11 हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं, ये सवाल आपके एग्जाम में था आज, क्लियर है ना, देखते जाओ। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि सीजीएल का एग्जाम है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, बहुत हार्ड आया है, जो भी 10+2 वाले एग्जाम देने जाने वाले हैं खास अगर ये पेपर देख लेना, वरना बोलेंगे भैया सीजीएल के एग्जाम में इतना हार्ड को इतना आसान क्वेश्चन आया है। मैं बार बार बोल रहा हूं पेपर अप टू द मार्क नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि सीजीएल का पूरा ये लेवल को टच किया है। हाँ ये बोल सकते हो और ये भी नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत आसान है, अगर ये कोई बोलता है तो ये भी जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम देकर आने के बाद पेपर सॉल्व करवाना और एग्जाम में बैठ कर देना दोनों अलग अलग बात है, तो इस चीज को आप समझिएगा। अगला सवाल आप सभी लीजिएगा, अगला सवाल हमारे सामने ये था एक्स वाई, ये था हमारे सामने 18, ओके। एक सवाल हमारे पास ये था, ये वाला एक सवाल, ये क्वेश्चन हमारे पास था, ये वाला क्वेश्चन भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना बन जाता। z = x, दिया गया है 2y, y का मान दिया गया है 2b, z का मान दिया गया है 2c और x स्क्वायर का मान दिया गया है yz, वहीं पर जो दिया गया है x y z = दिया गया है आपका 0, तो आपको बताना है ab + bc + ca / bc का मान कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन था। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, अगर बेसिक से जाएंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बेसिक के सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हो तो आप बोलोगे कि भैया अगर x का मान 1 पकड़ ले और a का मान 1, x y z सबका मान 1 पकड़ लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 = 1 = 1 क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3 1 2 3 हो जाएगा, सिंपल एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर बेसिक में जाएंगे तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सवाल लंबा जाएगा। अगर आप सबको एक पकड़ लो तब, ये आप देख लीजिएगा सवाल सेम था ना, सवाल बिल्कुल सेम था, अगर आप थोड़ा सा जाओगे बेसिक में तो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हैं, आप ये करेंगे x 2a, देखना आप बेसिक में क्या करोगे, y 2b z 2c, वो किसके बराबर है, सारा जो है वो हमारा k के बराबर है, तो अब यहां से x का मान जब निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, k 1/2a, y का मान क्या निकल कर आएगा आपका k 1/2b, z का मान क्या निकल कर आएगा k 1/2c। नॉर्मल है ना, नॉर्मल है कि नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, इसके वैल्यू में पुट करना है x² = yz। अब यहां पर k 1/2a का स्क्वायर करेंगे, यहां पर x के जगह पर तो क्या होगा, आप सभी बोलो k 2, यहां पर हो जाएगा / 2a, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा आपका x² के जगह पर 1/a, क्लियर ना।
अब y z है तो y का मान क्या है, k1 by 2b, k1 by 2c, और ये दोनों गुना है। जब गुना होगा और बेस समान होगा तो पावर क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, y z की जगह पर आपका 2b प्लस 1 by 2c। अब क्या रह गया है सवाल में, आप बताओ हमें सवाल में क्या रह गया। अब कोई भी इजिली इसको सॉल्व कर सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। मैं बोल रहा हूं ना बेसिक से नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब 2b एलसीएम कितना हो जाएगा, 2bc यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2bc अगर लेते हैं तो, c प्लस आपका b बराबर 1/a, ये हो जाएगा। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 बाई ए हो गया, c प्लस बी बाई 2 प्लस सी हो गया। अब दोनों तरफ आपको b प्लस सी से क्या करना है, गुना करना है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लीके कर दो, ये वाला यहां पर आ जाएगा आपका 2bc बराबर ac प्लस ab, दोनों तरफ bc से गुना करो, bc से गुना नहीं प्लस करना है, यहां पर भी bc, तो ये दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3bc, ये कितना बन गया ac ab प्लस bc। अब आपको क्या निकालना, क्या है ये निकालना है भाई, ये निकालना है। अगर ये bc को हम नीचे लेकर आ जाए तो क्या बन जाएगा, तीन मान निकल गया ना, वही तो यहां प्रूफ भी कर दिए, देखो प्रूफ भी हो गया कि ac प्लस ab प्लस bc बाई bc का मान कितना है, तीन है। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा बेसिक के ऊपर कमांड है, वरना थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। मैं बोल रहा हूं ना कि देखो, मैं कल भी बताया था और पहले भी बताया हूं कि थोड़ा सा बेसिक को थोड़ा आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, लेकिन जो भी चिल्लाते हैं ट्रिक 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 हर जगह काम नहीं आएगा। बड़े बड़े एग्जाम में आपका कंसेप्ट ही वो चीज है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। तो अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है ताकि कोई भी सवाल को अच्छे से तोड़ सके एग्जाम टाइम में। ठीक है ना, अगला सवाल एक बार आप सभी देखना। यहां पर एक सवाल दिया गया था एक आयत का, आयत का जो लेंथ है ना, देखो कितना आसान सवाल दिया गया है, उसमें पॉइंट प्लस 40% का बदलाव आया है। जो चौड़ाई है ना उसमें ब्रेथ में, उसमें -20% का बदलाव आया है। तो आपको बताना है पूरे क्षेत्रफल में, एरिया में कितने का बदलाव आएगा, बताओ। हार्ड है, हार्ड क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम में पूछा गया, करवाया हुआ क्वेश्चन है। आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं भैया अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में कितना बदलाव है 40% का, यानी 1.4, 20% माइनस 0.8, गुना करेंगे 12% का बदलाव आ गया आंसर। या फिर फॉर्मूला याद है वो लगा दो आप सभी, a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, उस पर भी निकल जाएगा 40%। ओके, माइनस 20%, 40 इंटू 20 800 बाई 100, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 40 में से 20 गया, 20 माइनस 8 आपका कितना हो गया 12%। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तब, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तब, आपने बेसिक पर काम किया है तब, समझ रहे ना। अगला सवाल, मैं बार बार बोल रहा हूं थोड़ा मेहनत करो। और एक बात, आज तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था आज के एग्जाम को देखकर कि रात को 11:30 बजे वाला क्लास ना, मेहनत खराब नहीं गया। आप बहुत जन बोल भी रहे थे भैया सारा क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ आया है, सुबह वाले वीडियो में आप सभी कॉमेंट्स देख लेना, सभी बोल रहे थे। तो मुझे आज कम से कम अच्छा लग रहा था कि रात को 11:30 बजे जग कर जो आपको पढ़ाए हैं ना, वो मेहनत खराब नहीं गया। और कोशिश कर रहे हैं कि रात को 8 बजे वाला क्लास रेगुलर करूं ताकि जो भी स्टैटिक जीके उसको भी मैं फटाफट कवर करवा दूं। ठीक है ना, अगला सवाल लीजिएगा। आप सभी के पास एक सवाल और था यहां पर। अब देखो मैं अर्थमेटिक के ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि अर्थमेटिक बहुत आसान आया था आज के एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, आपके सवाल में आपके एग्जाम में था ना, ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर काम, ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और आपको बोला है तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ, और ए और जो बी है वो 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन के बाद भाई,
तीन दिन के बाद, तो जो बचा हुआ काम है वो सी कितने दिन में पूरा करेगा, मैं कितने दिन में पूरा करेगा बचा हुआ काम, लेफ्ट वर्क। देखो मैं ये सवाल नहीं करवा रहा हूं जितने भी अर्थमैटिक के पोर्शन है, क्योंकि अर्थमैटिक के सवाल हलवा बच्चे की तरह आज के एग्जाम में आया था। आप बोलेंगे भैया इतने हार्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन रहा है क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। देखो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको हजार बार बताया है और ये मैं नहीं सारे टीचर बताए होंगे आप सभी को, अगर ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 10 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम ले लो ना। तो आप बोलेंगे टोटल काम भैया 120 है। अगर टोटल काम 120 है, इस काम को करने के लिए ए को 24 दिन लग रहा है, यानी डेली कितना काम कर रहा है? आप बोलेंगे डेली 5 काम कर रहा है, 15 8 ये 10 × 12, ठीक है। अगर ये तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर कितना काम कर सकते एक दिन में? 12 8 20 20 5 25। अब क्या बोल रहा है, तीन दिन के बाद ए भी छोड़कर चला जाता है, यानी तीन दिन तक तीनों मिलकर तो काम किए होंगे ना, इतना काम कर लिए। आप बोलेंगे भैया 75 काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है आउट ऑफ 120, तो कितना काम बच गया? 25 और 20 45। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिन में करेगा यही आपसे पूछा है। तो 45 काम बचा है और सी का डेली का काम कितना है? 12 है। तो कितना समय लगेगा भाई? 12 3 36, 3 9 / 12 दिन लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन में इंक डालने दो आप सभी, ये क्वेश्चन क्लियर ना, एग्जाम का क्वेश्चन था ये वाला आज का। अर्थमैटिक के तरफ बिल्कुल मैं नहीं जा रहा हूं, आपका औसत से भी क्वेश्चन बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बना है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बना है, बहुत आसान बना है। बिल्कुल मत डरना कि जीतू भैया आप वो क्वेश्चन नहीं करवा रहे, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन बना है। आप बिल्कुल मत डरना कि भैया हार्ड लॉलीपॉप। अगला सवाल देखना, और कुछ क्वेश्चन मेरे पास 1/2 8x + ये मैंने करवा दिया आप सभी को, ये भी करवा दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी के पास था, हाँ एक क्वेश्चन ये था आप सभी के पास, ध्यान से देखना। आपको बोला है ना 4300 रुपया है, 2 साल में कितने दिन में भाई? 2 साल में ये पैसा है ना 4644 हो गया, ठीक है। तो इसी दर से, यानी दर समान रहेगा, दर क्या रहने वाला है? दर रहेगा समान। इसी दर से जो पैसा है 10104 रुपया, 5 साल में कितना हो जाएगा आपसे पूछा है उसी दर से। तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ, निकाल कर फटाफट, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं इसका आंसर फटाफट आप सभी कमेंट करना जल्दी से। क्या करना है? 2 साल में पैसा इतना बन गया, दर निकाल लोगे? दिखाई दे रहा मुझे दर कितना मिला ब्याज 2 साल में। और एक बात और, ये जो काम हो रहा है ना वो साधारण ब्याज के हिसाब से हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखो एक बार नॉर्मल आप सभी चीज देखना कि कितना पैसा बढ़ रहा है, 344 रुपया बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है? 4300 से बढ़ रहा है। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 100 से 100 ये गया 2 0, 43 × 8 कितना होता है? 40 × 8 320, 8 3 24, यानी दर कितना हो गया? 8%। लेकिन ये 2 साल में हुआ है, जो दर है ना भैया ये 2 साल का दिया गया है, कितना? 8%। सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है 1 साल का? तो आप बोलेंगे 1 साल का भैया जो है वो 4% है। तो 5 साल में उसी दर से कितना होगा? तो 5 साल में ब्याज कितना होगा? 4 × 5 यानी 20%। किसी को डाउट? बोलेंगे बिल्कुल डाउट नहीं है भैया, इसका 20% निकाल दीजिए आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया एक काम करिए 20% कितना हो जाएगा आप सभी का? आप बोलेंगे भैया यहां पर 12 और 20, 1010 1004, यानी आप बोल सकते हो यहां पर 2020.8, यानी बोल सकते हो आप 12000 20.8 हमारा आंसर होगा, ये आप बोल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन में आपको स्मार्टली दिखाना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा? 20.8 है ना, सॉरी 10000 प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा आपका? 2000, यानी 12124.8 होगा ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का था। अगला सवाल देखिएगा,
और हाँ आप सभी बोलेंगे भैया रात को 11:30 बजे क्लास होगा कि नहीं होगा, वो क्लास बिल्कुल होगा, वो क्लास मैं बंद करना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। अगला सवाल था आपके सामने, एक क्लास में ना लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितने थे? 640 थे। अनुपात क्या है लड़का और लड़की का? वो दे दिया गया है 5:3 अनुपात दे दिया गया। अब सवाल में बोला है 640 लड़के थे, लड़का लड़की मिलाकर कितना है? 640 है। लड़का लड़की का अनुपात कितना दिया गया इन रेशियो? दैट इज 5:3। अब बोला है 30 लड़की जो है वो क्लास में बढ़ गई, 30 लड़की के बढ़ने से क्या हुआ? जो नया अनुपात हो गया ना लड़का और लड़की का, वो हो गया आपका 14:9। तो आपको बताना है करेंट में अभी क्लास में लड़के हैं कितना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, अगर पहले 640 थे और लड़का लड़की 5:3 है यानी टोटल 8, 8 = 640, तो 1 का मतलब 80 होगा, तो 5 का मतलब कितना होगा भैया? 400। यानी लड़का पहले कितना थे? 400 थे। लड़की तो आप बोलेंगे 8 * 3 = 24, 240 थे। 240 में 30 लड़की बढ़ गई, लड़की कितना हो गया? 270। 270 होने के वजह से लड़की का अनुपात कितना हो गया? 9। तो आप बोल सकते हो 9 जो है वो 270 के बराबर है, तो 1:30 के बराबर है। तो जो अभी का रेशियो है लड़का का 14, वो कितने के बराबर होगा? आप बोलेंगे 420 के बराबर होगा। 14 * 3 आपका 42। गॉट इट ना? समझ गए ना? अगला सवाल। और एक बात, रीजनिंग का पेपर मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन इतना तो मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, इतना विश्वास के साथ, जिन्होंने मेरा रीजनिंग का पूरा कोर्स देखा है, 25 में 25 तो बहुत जन कर कर आए होंगे, लेकिन इतना बोल सकते हैं एक एवरेज बच्चा, एक औसतन बच्चा भी ना भाई आज के एग्जाम में 23-24 कर कर आया है, मानो या ना मानो आप सभी, एक औसत बच्चा भी 25 में 23-24 सही कर कर आया है। मैं 1000 बार बोला हूं रीजनिंग पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पर सभी के फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो हद से ज्यादा आसान टॉपिक है। अगला सवाल लेना आप सभी, अगला सवाल हमारे सामने है 10% सरल। अच्छा एक सवाल हमारे सामने ये था, हाँ एक सवाल हमारे सामने ये था, किसी आइटम को हम, कोई भी सामान को ना जब हम बेच रहे हैं, सामान को जब बेचते वक्त क्या हुआ, जब बेच रहे हैं तो 10% का क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। सवाल को समझना, बस मेरी बात को सुनो, ठीक है ना? मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, सामान को बेचते वक्त क्या हो गया? 10% का नुकसान हो गया। लेकिन बोल रहा है अगर वो सामान को, अगर वो सामान को 332 रुपए में बेचता, बेचता तो उससे प्रॉफिट कितना का होता? उससे प्रॉफिट होता भैया 20% का, ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या है, बताओ सवाल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलेंगे भैया इसमें है क्या ऐसा कि आप बोल रहे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है क्या भैया कि सवाल नहीं बनने लायक? सवाल को पहले समझ लेना आप सभी, जब सामान को बेचे ना तो 10% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अगर सामान को 332 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता, तो सेलिंग प्राइस है क्या ये आपसे पूछा है? सेलिंग प्राइस ही पूछा है ना कि कॉस्ट प्राइस पूछा है? नहीं, बिल्कुल सेलिंग प्राइस ही पूछा है। अब देखो अगर मान लो सामान को 100 रुपए में लेकर आए, बेचे कितना पर? 10% नुकसान पर, यानी 90 पर बेच दिए। अब सामान को कितने पर भी बेच रहा है लेकिन फायदा कितना हो रहा है? 20% का। 20% का फायदा मतलब सामान को अब कितने में बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। ये लाइनिंग समझ में आया कि नहीं आया? 20% फायदा का मतलब क्या हुआ? जितना पैसा हम लगाएं उस पर 20% का फायदा, और लागत में जब भी फायदा जोड़ते हैं वो विक्रय मूल्य बनता है। यानी पहले 100 रुपए के सामान को 90 में बेच रहे थे 10% के नुकसान पर, लेकिन इतने करने पर क्या हुआ? 20% का फायदा हो गया, यानी 100 पर 20% 120, यानी नया विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 120 के बराबर हो गया। यहां पर कितना फायदा हो रहा है? 30। अब ये जो 30 है वो किसके बराबर है? ये 332 के ही तो बराबर है। तो विक्रय मूल्य पूछा, ये 90 कितने के बराबर होगा? देखो 30 अगर 332 के बराबर है तो ये 90 कैसे बन सकता है? 3 से गुना करने के बाद
तो इसको 3 से गुना करेंगे क्या होगा 996। क्लियर आंसर 996 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और देखते हैं सवाल कितने करवाए आप सभी को मैंने, यहां पर हो गया आप सभी का सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितने सवाल मुझे मिले अभी तक मैंने आप सभी को करवाए। आप बेफिक्र रहो, आप इतना मान कर चलो जिनका भी कल एग्जाम है, जिनका भी कल एग्जाम है, एक माइंड में ना टारगेट आप बना लेना, एक माइंड में आप टारगेट बनाकर चलना जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं कि भैया मुझे 100 में 100 नहीं करना है, भैया अगर मेरा कमांड जो है वो करेंट अफेयर जीएस पर अच्छा है तो मुझे वहां पर स्कोर करना है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश में करना है, मैथ में पूरा करना जरूरी नहीं है। अगर आप वहां पर 17-18 भी स्कोर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, उसके सहायता से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो रात को 10 बजे आप सभी के साथ मिलेंगे, कितना टाइम हो रहा है 9:33 यानी ठीक आधे घंटे के बाद रीजनिंग क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलूंगा, और रात को 11:30 बजे करेंट अफेयर क्लास के साथ, ठीक है। चलो